हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फ्रेंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हम सबके यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है टेक्निकल ओवी। गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बायनमो के डिपॉजिट एंड विड्रॉज के मेथड्स को। यार, जब भी ना हम बाइनरी ऑप्शंस को सोचते हैं यानी दिमाग में लाते हैं, या फिर फॉरेक्स के बारे में अगर हम सोचते हैं, तो सबसे पहला यानी एक यूजर है उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है? सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि यार भैया, जो विड्रॉ है वो इमीडिएट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जो डिपॉजिट है उसके कितने सारे मेथड्स यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं। हर एक ऑप्शन यानी हर एक ब्रोकर ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके पास डिपॉजिट करें, जिसके लिए वो सुविधा प्रोवाइड करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेथड्स वो प्रोवाइड करें। आज हम बायनमो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बायनमो में एक नेट बैंकिंग का एक ऑप्शन ऐड हुआ है, तो यार वो किन किन लोगों के लिए है या फिर कौन कौन उसका फ़ायदा उठा सकता है, उसके बारे में ही पूरी वीडियो है। लास्ट तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। और एक और बात, टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ यार। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो यार अभी कर दो, किसका वेट कर रहे हो। वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बात करते हैं आज की वीडियो के स्पॉन्सर की। गाइज, अगर मैं बात करूं एक एवरेज यूजर की, अगर मैं बात करूं एक एवरेज इंडियन की, तो यार हमारे पास ना रुपए का कार्ड अवेलेबल होता है। यानी यार डेबिट कार्ड के भी टाइप होते हैं, रुपए कार्ड, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड। मोस्ट ऑफ द इंडियन यूजर्स जिनके पास रुपए कार्ड डेफिनेटली होता ही है, लेकिन वीजा और मास्टर कार्ड में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, नहीं रख, बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास होता है। मैं मेजोरिटी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। नेट बैंकिंग भी ऐसा ऑप्शन है जो काफी लोगों के पास होता है, काफी लोगों को जरूरी नहीं लगता है, तो वो नेट बैंकिंग एनेबल करवाते ही नहीं है स्टार्टिंग में, या करने की कोशिश ही नहीं करते। मोबाइल बैंकिंग इनफ, इतना बहुत है कि अपने पास मोबाइल बैंकिंग है। तो यार बायनमो में लाइव अकाउंट से अभी मैं लॉगिन हूं, मैं डिपॉजिट पे जब मैं क्लिक करता हूं तो यहां पे एक पेमेंट मेथड ऐड हुआ है जिसका नाम है इंटरनेट बैंकिंग। सारे पेमेंट मेथड्स की बात करते हैं तो भैया पहला पेमेंट मेथड हमें मिल जाता है वीजा या मास्टर कार्ड, और दूसरा भी हमें वही चीज मिलता है जिसमें मेस्ट्रो कार्ड भी ऐड हो जाता है। मास्टर कार्ड का एक अलग से भी इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है इंटरनेट बैंकिंग, जो हालांकि ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी। फिर इंडियन एक्सचेंजर की बात करते हैं, ग्लोब पे, इंडियन कैश, और देखिए इंडियन एक्सचेंजर और इंडियन कैश दो अलग अलग चीजें, भैया कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करेंगे। एन पे कैश और यहाँ पे पेयर और जेटॉन वॉलेट, परफेक्ट मनी, नेटलर, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। हालांकि स्क्रिल मिसिंग है, स्क्रिल का ऑप्शन मुझे लगता है होना चाहिए बायनमो के अंदर, बट अभी फिलहाल के लिए मिसिंग है। यार अब कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या हमारे पास अगर गूगल पे है, फोन पे है, यूपीआई है, तो उससे भी डिपॉजिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यार तो एक सिंपल सा आंसर बताऊं, देखिए बेसिकली इसके पीछे का स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैं आपको डिसाइड, मतलब बता देता हूँ, समझा देता हूँ इसके पीछे का कहानी क्या होती है पूरा। देखिए ये लोग क्या करते हैं ना, एक कंपनी सर्च करते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि बायनमो यहाँ का ब्रोकर तो है नहीं, रशिया का ब्रोकर है, तो वो इंडिया के अंदर एक एक्सचेंजर को ढूंढते हैं जो कि उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रोवाइड करे। यानी कि देखिए सिंपल सी स्ट्रक्चर मैं आसान भाषा में समझाता हूँ, टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा। देखिए क्या होता है ना, बायनमो ने एक बंदे को ढूंढा जो कि क्या करेगा, एक पेमेंट मेथड या पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करेगा, ठीक है, पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करेगा बायनमो को। अब वो पेमेंट गेटवे किसी से लेगा, ठीक है, रेंट पे लिया, या फिर जो टेक्नोलॉजी है उसको डिस्कस किया किसी के साथ, उसे रेंट पे ले लिया, खरीद लिया, जो भी है। अब क्या होता है ना, वो बंदा जितने भी सारे डिपॉजिट होंगे इंडियन पेमेंट गेटवे के थ्रू, यानी कि डिपॉजिट होते हैं रुपए कार्ड के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, गूगल पे, यूपीआईज के थ्रू, वो सारा जो अमाउंट होगा वो अमाउंट एक टुकड़े में, यानी जैसे $50,000 का सेट कर दिया, तो $50,000 जैसे उस बंदे के पास आ जाएंगे डिपॉजिट, जितना भी आप डिपॉजिट करोगे सारा उसके अकाउंट में जाएगा, और जो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा पैसा वो बायनमो आपको दे देगा। वो जो बंदा है उसके बाद वो बंदा क्या करेगा, बायनमो के पास वो जो पैसा है वो देगा इंस्टॉलमेंट्स में, जैसे 50,000 हो गया तो 50,000 दे दिया, फिर नेक्स्ट 50,000 जैसे हो जाएगा फिर वो बायनमो को सेंड कर देगा। इनके काफी सारे पेमेंट्स मेथड होते हैं, स्क्रिल से कर दिया, बिटकॉइन से कर दिया, काफी सारे होते हैं। अब वो बंदा जो है उसका क्या फायदा है, वो कमीशन ले लेगा। तो यार ये चीज मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि देखिए
बैनमो में ये जो मेथड आया है इंटरनेट बैंकिंग, यहाँ पे डेफिनेटली आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हो, लेकिन काफी लोग हैं जो कह रहे हैं भैया गूगल पे क्यों नहीं आया, यूपीआई क्यों नहीं आया। तो यार ये लोग क्या करते हैं ना, बैनमो वाले पूरा पेमेंट गेटवे हर एक लोगों के लिए नहीं खोलते, वो सिर्फ 5% लोगों के लिए खोलेंगे, 5% यूजर्स के लिए खोलेंगे। तो अभी जो पेमेंट गेटवे ओपन है वो सिर्फ 5% लोगों के लिए ही है, जो गूगल पे का हो गया या फिर काफी सारे जो पेमेंट्स गेटवे हैं वो जल्दी ही इंप्लीमेंट हो जाएंगे। ये टेस्टिंग रन कर रहे हैं अभी, टेस्टिंग पर्पसेस के लिए अभी चालू है। जैसे ही वो टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, जब बैनमो वालों को ट्रस्ट हो जाएगा उस ब्रोकर, उस पर्टिकुलर कंपनी पे, पेमेंट गेटवे पे, कि भैया मेरा पैसा टाइम टू टाइम मुझे मिल रहा है, तो वो 100% यूजर्स को उसको हैंडल कर देंगे। अभी सिर्फ 5% यूजर्स के पास होगा लगभग, यहां जहां तक कि मुझे लगता है, ठीक है। तो अभी देखिए, जैसे कि आपका मिनिमम यहां पे नेट बैंकिंग से 551 रुपीज, यानी लगभग 60-70 डॉलर के आसपास आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग से जब आप डिपॉजिट करोगे, भैया आईडी पासवर्ड आपका मांगेगा, दैट्स इट, और कुछ यहाँ पे इश्यूज नहीं आने वाले। अब बाकी बात कर लेते हैं अदर पेमेंट गेटवे की। तो आपको, आप बोलोगे कि भैया इंडियन एक्सचेंजर क्या है, इंडियन कैश क्या है, तो यार इंडियन कैश का मेथड आपको मैंने बता दिया था, इसमें कुछ नहीं है। आपको अगर आपको विड्रॉ लेना है तो आप नियर बाय एक्सचेंजर से ले सकते हैं। और अगर इंडियन एक्सचेंजर क्या है, इंडियन एक्सचेंजर में मतलब सिंपल सी बात है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट यहाँ पे, यानी थोड़ा सा डिफरेंस जरूर रखते हैं इंडियन एक्सचेंजर। इंडियन एक्सचेंजर क्या है ना यार, आपको डिपॉजिट जब आप करोगे ना, तो पहले एक ब्रोकर के, एक कंपनी के पास जाएगा आपका पैसा, फिर वो आपके अकाउंट में डालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। ग्लोब पे बहुत अच्छा ऑप्शन है, नेटलर बहुत अच्छा ऑप्शन है, डायरेक्टली वीजा मास्टर कार्ड से भी आप कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग हालांकि अच्छा इनिशिएटिव लिया इन्होंने, लेकिन अभी बाकी सारे जो पेमेंट गेटवे हैं वो अभी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं हुए, जैसा कि गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, लेकिन हालांकि बहुत ही जल्दी होने वाले, तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो सारी चीजें इंक्लूड होने वाली है बैनमो में बहुत ही जल्दी। और एक गुड न्यूज आपके साथ, लाइक बहुत ही जल्दी, अभी 5% के यूजर्स उनके साथ ट्रायल रन पे चल रहा है, उसके बाद क्या होगा, आप रुपए कार्ड से भी यहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी आपने देखा होगा वीजा मास्टर कार्ड के अलावा आप कोई भी मेथड से अपने कार्ड, आपके पास कोई भी कार्ड हो रुपए का, उसके साथ आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन बैनमो को भी लगा कि भैया बहुत सारे लोग हैं जो रुपए कार्ड रखते हैं इंडिया के अंदर, तो वो क्यों नहीं डिपॉजिट कर पा रहे यार, वीजा कार्ड मास्टर कार्ड सबके पास तो होता नहीं है। तो इसीलिए बैनमो ने ये चीज भी लेके आने वाला है, और सारे बहुत ही जल्दी ये चीज इंप्लीमेंट होने वाली है हर एक एप्लीकेशन के साथ, नॉट इवन बैनमो, अब मैं बाकी सारे ब्रोकर्स की बात करता हूँ, हर एक ब्रोकर के साथ ये सारी चीजें होने वाली है यार। तो उम्मीद करूंगा ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको अच्छी लगी होगी, लाइक आपने कर दिया होगा वीडियो को। और एक और चीज यार, कमेंट कर दो यार प्यारी सी, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, इतना ही उम्मीद करूंगा आप लोगों से, ताकि आने वाले फ्यूचर में अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।